the highest experience of man is to dissolve himself in the divinity of God. जो मलामा का नजरिया है उसमें आप खुदा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। शाहीन का जो सिंबल है ये इस्तेमाल होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉरल वैल्यू ऑफ फक्र। एनीवे जो वो पांच खसूसियात वो देखते हैं शाहीन के अंदर, वो पहला तो है वो गैरत का है। वो जो खुदी की तरबियत और जिस किस्म का वो जो वो उसकी फाउंडेशंस है उसकी परवरिश की जो है वो ले डाउन करते हैं, वो एक आजाद मुमलिकत या एक जो है मुसलमानों की मुमलिकत के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। अब ये देखें ना, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ इस्लाम एज अ रिलीजन वाज रिवील्ड बाय गॉड, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम एज अ सोसाइटी और नेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट। आप बिलीवर तो हो सकते हैं लेकिन आप मुसलमान नहीं हो सकते अगर आप फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड के ऊपर। सही है। अच्छा, इसी से एक दो नुक्ते और मेरे ज़हन में है कि जो खत्मे नबूवत के साथ वो एक चीज जोड़ते हैं, उसको कहते हैं अकले इस्तकराई। आई थिंक डॉक्टर जावेद इकबाल ने इस पे बात की है कि वो कहते हैं कि कुरान जो है वो उस मौके पे नाजिल हुआ है जब इंसान की मैच्योरिटी इस हद तक पहुंच चुकी हुई थी, तो उसको अगर आप ब्रीफली बता सकें। देखें, दो चीजें हैं अलामा की थॉट की जो पिवटल जो है ना, वो दो चीजें, एक है तौहीद और दूसरा है खत्मे नबूवत। अलामा कहते हैं कि अगर खुदा एक है, अगर आपका तौहीद के ऊपर ईमान है, तो फिर खुदा की कोई क्रिएशन जो है वो उससे बाहर तो नहीं हो सकती, उसी ने बनाई है। दैट मींस दैट ह्यूमन इक्वालिटी होनी चाहिए, ह्यूमन जो है वो फ्रेटर्निटी होना चाहिए, और जो है वो एक थर्ड डायमेंशन से निकालते हैं ह्यूमन फ्रीडम की, बिकॉज मैन हैज बीन गिवन द फ्रीडम ऑफ चॉइस टू चूज हिज ह्यूमन यूनिटी से और ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन फ्रेटर्निटी से जो है वो आपकी वो सारी जो है वो आपको एक वो जो ये जो सेकुलरिस्ट बड़ा शोर मचाते हैं कि टॉलरेंस होनी चाहिए रिलीजन की और फलाना और उनका, वो सारा कुछ इसी में से निकलता है आपका। वो ऑलरेडी आपका जो है वो इस्लाम के अंदर जो है वो इन इट्स बेस्ट फॉर्म जो है वो ऑप्शन इज देयर, आप उसको ना देखें तो वो अलहदा बात है। सो इसलिए अलामा कहते थे कि ये जो सेकुलरिज्म है ये वेस्ट में जो है उसकी गुंजाइश, इसलिए वो उनको बनानी पड़ी स्टेट एंड रिलीजन को, इसलिए उन्होंने अलहदा किया बिकॉज उनके अंदर इश्तिहाद की गुंजाइश नहीं है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अंदर। कैथोलिक कैथोलिसिज्म में आप नहीं कर सकते, इसलिए तो प्रोटेस्टेंट्स वहां पे वो बने और फिर आगे उनके भी काफी मेरे ख्याल में फिरके शिरके जो है बीच में। एंड लाइकवाइज ही सेज के जो रसूलुल्लाह वसल्लम की जो है खत्मे नबूवत जो है वो तीन चीजें जो है वो एस्टैब्लिश करती है। नंबर वन, के इस्लाम के अंदर मुलुकियत या उसके माइंडसेट का कोई रोल नहीं है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना। ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग आपके बात। दूसरा, वो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जो है रसूलुल्लाह वसल्लम के आने से उन्होंने ये चीज एस्टैब्लिश कर दी कि इस्लाम में प्रीस्टहुड नहीं है, इस्लाम के अंदर मुलायत नहीं है। जिस तरह एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की जो एक मुलायत है उसमें इसके अंदर आपकी जो है जिस तरह चर्च है आपका इस तरह वो नहीं है इस्लाम के अंदर। वो तीसरा वो ये जो है वो पॉइंट अलामा कहते हैं कि द बर्थ ऑफ इस्लाम मींस द बर्थ ऑफ इंडक्टिव इंटेलेक्ट और इंडक्टिव रीजनिंग। उसमें ये मैंने आपके लिए बल्कि लेकर रखा है कि अलामा कहते हैं कि द बर्थ ऑफ इस्लाम इज द बर्थ ऑफ इंडक्टिव इंटेलेक्ट। In Islam, prophecy reaches its perfection. नज़दीक रसूलुल्लाह की जो उनकी जो जो थी उनकी prophecy जो थी उनकी prophethood जो था वो तो एक उससे तो बढ़ के हो ही नहीं सकता, कोई खत्म हो गया उसके ऊपर तो एंड हो गया। So the prophecy reaches perfection in discovering the need of its own evolution. अब वो perfection से आगे तो कोई आ नहीं सकता, फिर इसका मतलब है कि इसीलिए वो खाते में नबीन थी कि अब उसके बाद कोई किसी प्रॉफिट के आने की गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स द कीन परसेप्शन दैट लाइफ कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन लीडिंग स्ट्रिंग्स, यानी कि जो है वो
अल्लाह ताला की मंशा थी कि वो प्रॉफिटहुड जो है अपनी वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके बाद उसको खत्म हो जाना चाहिए. एंड दैट इन ऑर्डर टू अचीव फुल कॉन्शियसनेस मैन मस्ट फाइनली बी थ्रोन बैक ऑन हिज ओन रिसोर्सेस. यानी के उसके बाद जो भी करना आपने करना, आपके पास कुरान आ गया है, कुरान को जो है वो आपने जो है वो किस तरह जो है वो इंडक्टिव नॉलेज से ही उसमें जो है उसका विजडम को आपने जो है वो रीच करना और अपने लिए नए रास्ते आपने तलाश करने. वो कहते हैं कि द एवोल्यूशन ऑफ जो है द एवोल्यूशन ऑफ प्रीस्टहुड एंड हेरिडिटरी किंगशिप इन इस्लाम, इट इज अ कॉन्स्टेंट अपील टू रीजन एंड एक्सपीरियंस इन द कुरान. And the emphasis for that it lays on nature and history as sources of human knowledge are all different aspects of the same idea of finality. Sahi. So ye kehte hain ki jab bhi aapke paas ye capacity aa gayi hai iski inductive reasoning ki, to baaki modes of knowledge ko aap jo hai usko wo curtail kare aur isko aap kare. Acha isme aap ye dekhen ki isi se jo hai ye scientific jo hai wo method jo hai wo evolve hota hai. Inductive reasoning से. Right. So, इसी के जो है आप वो कुरान से जो है अलामा के मुताबिक आप जो है उसकी अंदर जो है उसकी एक एक आयत के साथ कई कई जमाने जो है वो कहते हैं वो अपने लिखे हुए हैं. और आप जो है अपने वक्त के मुताबिक उसमें से एक जमाना ही डिस्कवर करने की जरूरत है. और दैट इज हाउ कुरान इज अ लिविंग बुक. जब तक आप वो कुरान को अपने साथ अपने वक्त के साथ उसके जो है वो उसमें से मसाइल का हल की तरफ इशारे देख के उसको आप वो नया रास्ता तलाश किए बगैर जो है वो आप वो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर बाल के जिस तरह हम वो जो बंदा मर रहा होता है तो सूरह यासीन पढ़ गई हमने वो कुरान को एक आप में लिया, तो हमारे मतलब के हमारे पार्ट ऑफ लाइफ से जो है वो कुरान जो है वो आपके कोर्स के अंदर जो है ये रख दें कि आपके नौजवान जो है वो खुद ट्रांसलेशन करना शुरू करें. मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं जो कि कुरान पढ़ रहे होते हैं जिन्होंने जिंदगी में एक दफा भी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी. ट्रांसलेशन से कुछ तो उनको वो पता लगेगा ना, तो बिल्कुल ही आप जो है एक सुनी सुनाई बात के ऊपर और वो आपको मिसगाइडेड डायरेक्शन में कोई बंदा तो नहीं ले जा सकता. सही सही हो गया सर. लास्ट पॉइंट ऑन दिस गोइंग बैक टू द अहमदी के जब अलामा इकबाल ने अपने जब दोनों बच्चे डॉक्टर जावेद और मुनीरा इकबाल साहिबा उनकी जो गार्डियनशिप थी उन्होंने उनको दी वो आशिक हुसैन बटालवी को, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अहमदी थे. So, वहां पे भी थोड़ा सा कुछ आता है कॉन्फ्लिक्ट? नहीं, वो मैंने वो चेक किया है. एक तो आशिक हुसैन बटालवी जो थे वो तो अलामा के इतने करीब थे ही नहीं. एंड द अदर थिंग इज आई डोंट थिंक ही वाज एन एमडी. सो वो तो वो कभी जो थे वो गार्डियन, एक तो तीसरी बात है वो गार्डियन थे ही नहीं. अच्छा नहीं. जो थे उनके वो थे उनके सगे उनके भतीजे थे शेख अहमद थे जो के अहमदी कन्वर्ट कर गए, उनको उन्होंने गार्डियनशिप से अपने बच्चों की हटा दिया था. और उसकी जगह के ऊपर गालिबन जो थे वो एक तो चौधरी मोहम्मद हुसैन थे पहले, एंड आई थिंक जो थे वो उन्होंने मेरे दादा मियां मीरुद्दीन को शायद उन्होंने किया था या करने वाले थे, उनको उन्होंने हटा दिया था. देयर वाज नो बिकॉज देखिए बात यह है कि उनको आने वाले वक्त में ये सारी चीजें जो नजर आ रही थी. एंड आप ये भी देखें कि अलामा जो फौत हुए हैं तो उनके जो सगे भतीजे थे उन्होंने उनका जनाजा नहीं पढ़ा उन्होंने. अच्छा सही. तब के और क्यों इसी वजह से वो पढ़ा कि वो आपको जो है वो मेन स्ट्रीम को वो अगर वो किस वजह से नहीं पढ़ा, इसी वजह से तो वो बाकी सारे जितने भी मुसलमान हैं उनको काफिर ही समझते होंगे ना. So, ये तो इस तरीके से है ये बात. मैंने कहा आपको क्लेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी. अच्छा मेरे पास बड़ी फेक न्यूज़ थी ये. सही हो गया. सही है. अच्छा सर एक आपने पहले वो जिक्र किया था उसका वहदतुल वजूद का, तो इन्होंने अपनी किताब में जिंदरूद में लिखा कि पहले वो वहदतुल वजूद एक जमाने में थे, फिर उससे मूव होके वहदतुल शहूद पे चले गए, लेकिन फिर आखिरी उम्र में जाके वो उससे भी उस कॉन्सेप्ट से भी मतलब कि नाला थे, तो वो कुछ समझ नहीं आ सकी कि वो फिर तीसरा क्या था, आखिरी फॉर्म क्या जाके बनी उसकी.
वो यही थी जो आप अभी सारा कुछ एक्सप्लेन अमा का जो है, देखें ना अपना जो उनका एक जो है वो कॉन्सेप्ट है तसव्वुफ का, एंड वो आपको जो है इससे, खैर वो वजूदियत से तो बिल्कुल ही अलग है, उसमें को आप कह सकते हैं, कोई मिक्सचर कह सकते हैं, बट उनका एक अपना जो है वो कॉन्सेप्ट है, और वो इज जिसमें जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ अब्दुहू जिसमें जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। दोबारा बताइएगा समझ गए कॉन्सेप्ट ऑफ अब्दुहू। अब्दुहू कहते हैं कि अब्द गुलाम को कहते हैं, अब्द होता है और अब्दुहू उसका गुलाम यानी खुदा का गुलाम जो है वो हाईएस्ट स्टेटस होता है, जिस तरह है कि हम वो कहते हैं कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही, तो दैट इज जो है वो आपको बताते हैं कि ये दैट इज द हाईएस्ट एक्सपीरियंस जिसमें वो रसूलुल्लाह के पर रसूल नूर भी है जिसका अलामा हवाला देते हैं, उनकी जो आंख जो है वो झपकी ना पलटी, उनकी उनकी खुद ही इतनी मजबूत थी, उसमें वो है को इसका शेर मुझे उनका शेर नाम भूल गया कि मूसी जहूश रख या ये किसान जलवा ये सिफात तू बे ऐने जाद मी नगरी नगरी बत बस सुन। हजरत मूसा को एक ही झलक पड़ी खुदा की तो वो तो बेहोश हो गए, अल्लाह सल्लम आपने तो जो है वो एक मुस्कान के साथ आपने सही आप सामने जो है ठीक ठीक। So that is like the highest form of experience, and obviously जो experience या रसूलुल्लाह वसल्लम जो है वो आपके लिए एक उनकी जो मैं समझता हूँ कि उनकी जो सुन्नत है is the doorway for us always to सही सही सर, आगे आगे चलते हैं, कुछ बड़ा बड़े मजेदार डिस्कशन हो रही है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच सर। एक सवाल ये कि अलामा इकबाल अपनी जिंदगी में ही वाज वेल रिसीव्ड इन यूरोप, अगर बरतानिया देखें, जर्मनी, फिर वो इजिप्ट में गए, जेरूसलम में जाना हुआ, ईरान, अफगानिस्तान, यू नेम इट, अलामा इकबाल बहुत वहाँ पे जाने जाते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के अगर दौर को देखा जाए, आपने तुर्की का जिक्र किया, तो अलामा इकबाल की आज क्या पोजीशन है मतलब कि दुनिया के अंदर, स्पेशली इन रिलेशन टू टर्की और इसी तरह ईरान या सेंट्रल एशिया वगैरह, अगर आप उस पर थोड़ा बता सकें, आज भी कुछ जानते हैं वो अलामा को? ईरान में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जानते हैं, उनका जो है उनके साहब में अलामा की शायरी भी है वहां पे, तो मैं जानने का इच्छा हुआ है, तो मतलब कि ड्राइवर वाले को भी जो है ना, टैक्सी ड्राइवर को भी जो है, एक तो वो कितनी पढ़ी लिखी कौन है कि उन्होंने, उनके ड्राइवर ने भी जो है वो हाफिज को पढ़ा होगा, उसको फिरदौसी को पढ़ा होगा, इकबाल को भी उसको वो वर्सेस आते हैं, तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद देम। बाकी ये है कि तुर्की के अंदर जो है वो ऑब्वियसली है, उसमें आप वो पूछ रहे थे कि वो उनकी ग्रेव जो है, उन्होंने यहाँ से शायद वो मिट्टी ले जाके, तो उन्होंने दो बंदों की वहां पे वो कतबा लगा के, तो वहां पे वो मौलाना के मजार के बाहर पूछते तो आपको पता लग जाएगी वहां से। सही। अच्छा मैं वैसे था वहां पे 2014 में था, मैं काफी देर वहां पे ढूंढता रहा, कई घंटे, लेकिन मुझे वो कबर नहीं मिली, फिर मुझे किसी ने बताया कि गालिबन क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। मैं तो उन्होंने बुलाया था उसके, मैं गया था वहां, वहीं पे वहीं पे है उनके साथ एक किसी और की है और साथ वो की। बाकी ये ताजिकिस्तान में अलामा इज वेरी पॉपुलर, बिकॉज एक तो ताजिकिस्तान जो है पर्शियन स्पीकिंग कर, एंड वो बहुत ज्यादा है जो है उनसे, मेरे जो भी ताजिकियों से इंटरेक्शन हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अकीदत रखते हैं, एंड स्पेशली कई दफा ये भी इनके कोई डेलीगेशन आते हैं इस्लामाबाद में, तो वो स्पेशली लाहौर आते हैं अलामा।
बट वेस्ट में आप ये देखें कि जो मेरे इल्म में है कि फ्रांस में भी कोई काम हो रहा है, अलामा की उन्होंने जो है वो रिकंस्ट्रक्शन की ट्रांसलेशन की हैं, बल्कि वो मेरी कुछ जानने वाली हैं वहां पे, तो मुझे उसको भेज भी नहीं थी. एंड द अदर थिंग विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो मुझे अभी उसका कोई ट्रेल मिल नहीं सकी कि वो एक सीटीवी एंकर ने आके एक बार डे के ऊपर वो जिक्र किया कि उनकी नॉलेज में था कि बेल्जियम के अंदर जो है वो रिकंस्ट्रक्शन को जो है रिलीजियस पॉप इन इस्लाम को उसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको किस तरह जो है वो मकसद कहने का ये है कि एक इशू तो है ना, वहां पे भी एक नॉन क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन है, मुसलमान भी हैं, दूसरे भी हैं, तो किस बेसिस के ऊपर आप इनके साथ रिकंसाइल करेंगे? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जो है वो एक आप जब तक इनकी कोई वो बाकी तो दुनिया जिस तरफ जा रही है, आप अमेरिका में हैं, आपको पता है सारा एक तो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है. अच्छा सर, कमिंग बैक टू अलामा पर्सनैलिटी, एक और बड़ा इतराज किया जाता है, आप बताएं किस किस हद तक वैलिड है, कि वो कहते हैं कि उनकी उनके कॉल में और उनके फेल में बहुत ज्यादा तजाद है. यानी कि कॉल अलामा इकबाल का तो बहुत बुलंद है, जहाँ पे वो बुलंद परवाजी और शाहीन की बात कर रहे हैं, लेकिन अलामा की जो अपनी जिंदगी थी, जो अपना लाइफ स्टाइल था, वो बहुत ही तसाहुल पसंद, बहुत ही आरामदेह किस्म का, और वो हुक्का पी रहे हैं. तो उसको वो कुछ लोग कहते हैं यार बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन खुद अमल. लेकिन आप वो देखे ना, ये चीज जो थी अलामा, ठीक है वो मतलब थे बहुत सोल पसंद थे, या अपनी डॉक्टर जवेद को लिखा हुआ अपनी किताब में, तो उनको वो एक दफा ये जौहर बरादरान उनके पास आए, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली, तो उन्होंने कहा कि ये आप कमाल के, आप हम जब आते हैं आप यहाँ पे हुक्का पी रहे होते हैं और मैं आराम से पिचर पाई पर, और हम यहाँ के वहां पे अंग्रेजों की डंडे खा के और हम कैदे काट के मार रहे थे. उसके जवाब में अलामा ने कहा कि बात यह है कि भाई मेरी तो जो एक हैसियत है ना, वो एक कवाल की मानन, कवाल कोई हाल पड़ जाए तो फिर आप लोगों को हाल कहां से पड़ेगा. मतलब आप लोगों में जो है वो चीज उजागर नहीं हो सकती. बट द थिंग इज दिस दैट ये जो एक जो जो मेंटल जो एक चीज होती है ना, वो इज मोर डिफिकल्ट देन अलामा. वो कहते हैं ना कि जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां बीनी, जिगर खून हो तो चश्मे दिल में होती है नजर पैदा. तो ये वो वाला हिसाब है कि जो जो जो, जो ज़हन को हम जो है वो कोशिश हम उसको उस तरह वो नजर नहीं आती एक वो तरीके, तो हम उसको नजरअंदाज कर जाते हैं. तो मतलब कि वो देखें वो ही डाइड एट द एज ऑफ लाइक 61 ईयर्स ओल्ड, मतलब ही वाज सब कुछ वो एक खा जाता है बंदे कोई, he was probably 2 years younger than me. I'm going to be 63. मेरे से भी वो छोड़ता है. मुझे इस उम्र में भी फील होता है कि अभी भी मैं कोई यू नो मतलब कि नौजवान लड़के की मानंदी हूँ. सेहत शेत तो बंदे के पास हो तो बंदे को क्या 80 साल पे भी हो जाए तो यू नो यू स्टिल वेरी मच देयर. लेकिन सर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ, मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को शायद नहीं पता कि अलामा like all throughout the life unke health ke bahut zyada challenges the. ek to wo aankh se ab ho gaye hue the aur phir aakhir mein ja ke awaaz baith gayi thi, to ye bhi is cheez ko bhi mera nahi khayal hum bahut zyada consider karte shayad. ha unki awaaz baith gayi thi, unhone iska zikr bhi kiya, unko aadat thi ke subah ke waqt wo quran ki tilawat zarur karte the apna khush alhani se behan ke sath. jo hai wo jo hai us cheez ko wo miss karte the, to unko इसी तरह ही वो भोपाल में जाते थे, वहां पे कोई उस वक्त आई थिंक कोई मशीन लगी थी कोई बरकी इलाज की इसका, आई डोंट नो प्रोबब्ली आई थिंक वो कैंसर ही था उनका. तो वहां पर वो गए हुए थे, तो उनको फिर वो रात को उनको उन्होंने सर सैयद अहमद खान को देखा ख्वाब के अंदर. ये भी उन्होंने अपनी जो है ना मसनवी के अंदर शहरी की फॉर्म के अंदर, और उनको कहते हैं कि तुम भी जो है वो इमाम बुशीरी की तरह, जिस तरह उन्होंने कशीदा बुरदा शरीफ लिखा है,
तुम भी रसूलुल्लाह के आगे अरदास जो है वो पेश करो। तो वो उन्होंने फिर वो नजम लिखी हुई है और उसमें जो है वो एक वो जिक्र करते हैं उससे कि इतनी मेरी जो है वो हालत होगी हुई है जो है वो तिलावत भी नहीं मेरे से हो सकती, मतलब ये इस was kind of a focal point in his appeal to the prophet. Right. नहीं उनके लिए एक चीज की अहमियत थी उनकी। सही सही। अच्छा सर आपने पहले जिक्र किया था अलामा इकबाल का और कायद आजम का, आपने कहा अलामा इकबाल ना होते तो कायद आजम भी ना होते, तो थोड़ा सा इसको आप बताएं कि ये दोनों पर्सनैलिटीज हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे क्या कहना चाहिए कि बहुत बड़ी शख्सियात हैं, ये किस तरह से रिकनसाइल करती हैं, मतलब कि कायद आजम को कायद आजम बनाने में इकबाल का कितना किरदार है। और फिर एक मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप देखें कि जो डिबेट चल रही है पिछले खासतौर पर 10-15 सालों से, जब भी नजरियाती नजरिए की बात की जाती है, दो कौमी नजरिए की या इस्लामी तशखुस की सारी चीज़ों की, तो हम हमेशा कायद आजम को एक रेफरेंस के तौर पे देखते हैं कि यार उन्होंने 11 अगस्त की तकरीर में ये कहा था, लाइक पूरे इस डिस्कोर्स के अंदर अलामा इकबाल का कोई नाम भी नहीं लेता। सो मुझे बड़ा वो डिसकनेक्ट सा लगता है कि भाई सोच तो असल में इकबाल की थी, देन कायद आजम वॉज एट बेस्ट प्रॉबली द फैसिलिटेटर ऑफ दैट मूवमेंट। सो इसको अगर थोड़ा सा बता सके कि देखें, मतलब के I wouldn't say कि लाइक जो है वो कायदे आजम अपनी स्ट्रगल से जो भी है एक जो भी लेवल पर वो पहुंचे, बट एट सर्टेन पॉइंट इनके जो थे इनके आपस में डिफरेंसेस भी थे, खास तौर पे जब वो सेपरेट इलेक्ट्रेट्स का मसला हुआ तो मुस्लिम लीग में स्प्लिट हो गई और उलमा जो थे वो इस चीज़ को गिवन करने के किसी सूरत भी जो थे वो कायल नहीं थे कि आप सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को आप छोड़ दें। कायद आजम कह रहे थे कि नहीं छोड़ दें, ये फॉर्मूला तय हो गया, तो शफी लीग बन गई और फिर वो दूसरी मुस्लिम लीग एंड ऑल दैट। सो बहरहाल ये सिलसिला जो था वो चलता रहा, ये द टाइम एंड देयर वर डिफरेंसेस इन एवरीथिंग, एट सम पॉइंट इन टाइम डिटेल्स तो इसकी आपकी देखें बहुत सारा और लिखा भी रह चुका है इस चीज के ऊपर, डॉक्टर जवेद इकबाल ने बड़ा लिखा, बट एट सम पॉइंट इन टाइम अलामा को इस चीज की जो थी वो रियलाइजेशन जो है वो जरूर हुई कि कायदे आजम के अलावा इस जो है ये अपना मुसलमानों को इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। अच्छा उसके भी बड़ी आपको देखेंगे आपके अंदर भी हमारे फ्लॉज़। अब उसमें आप ये देखें कि अल्लामा वाज आल्सो वन ऑफ द पीपल, उन्होंने कायद आज़म को कहा कि नहीं आप ही वापस आए, एंड जो आके उन्होंने फिर वापस आए और वो टेक ओवर किया, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इन टाइम जो थे अल्लामा स्टूड बिहाइंड कायद आज़म लाइक ऑर्डिनरी सोल्जर, जिसको वो खुद इसको बयान करने के लिए पॉइंट बीइंग इज एक ये जो वो अलामा को डिसकनेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान मूवमेंट से या अपना कायद आजम से, आप ये चीज मद्देनजर रखें कि अगर कायद आजम ने जिंदगी में किसी की कोई चीज को छापी है तो वो इकबाल की छापी है, तो लेटर्स ऑफ इकबाल टू जिना है वो कायद आजम ने खुद छापे अपनी जिंदगी में छापे और उसका फोर वर्ड उन्होंने लिखा। अगर किसी को शक है कि इकबाल के साथ कायद आजम के कोई मरासम ही थे या उनको जो था वो कोई उन्होंने कोई रोल नहीं प्ले किया उनकी लाइफ में, तो वो आई एम सॉरी बट वो फिर एक वो चीज को वो काट के जो है वो डिलिबरेटली right. उसको जो है The other thing being that ये जब 1940 की जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन होती है तो उसके बाद जो उनके जो सेक्रेटरी थे सैयद मतलूब रहमान कायद आजम के सेक्रेटरी थे, तो कायद आजम ने टर्नड हिज फेस टुवर्ड्स द मजार ऑफ इकबाल एंड सेड दैट इफ इकबाल वाज अलाइव टुडे ही वुड हैव बीन हैप्पी टू नो दैट वी हैव डन exactly what he would have wanted us
ये चीज तो अगर ये दो ही चीजें आप वो ले लें तो मेरे ख्याल में तो बेवकूफी वाली बात है कि जो वो कह रहे थे उनमें कोई जो थे उनका सिलसिला नहीं था एंड जो है वो जो 13 लेटर्स जो अलकाज़म ने उनके जो है वो शाया किए हैं और उनका जो उसमें वो लिखा हुआ उसके तो वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि ही स्टूड बाय विद मी इन द डार्केस्ट आवर्स ऑफ द लीग एंड सारा कुछ. तो कायद आजम जैसी शख्सियत किसी बंदे की तारीफ कर दे वैसे खाम खाम है को कायद आजम के तो एक कतरा नहीं था उनके अंदर भरा हुआ किसी की खायाबोसी कर दे right. उनकी पर्सनैलिटी थी वो तो मतलब के वो वाइस रॉय क्या तो गांधी क्या तो सारों को तो मतलब के वो right, yeah. जो अपनी जगह के ऊपर वो रखते थे सो ये बात तो नहीं बनती. दूसरा ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखने वाली है कि आपके जो है यहाँ पे फिरका वारियत बहुत ज्यादा है हमारे इतने फिरके हैं बुनियादी तौर के ऊपर आपके शिया और सुन्नी दो ही फिरके हैं तो बाकी जो है वो डिविजन्स हैं बीच में से वो वहाबी है फलाना है और सुन्नी है और पता नहीं वल जमात है और जो भी इस तरह के आपको बनाते रहे हैं वो सुन्नी फिरके ही के सारे सब डिविजन्स हैं जैसे इस तरह एल ए शिया में भी होंगी. तो कायद आजम तो ही वॉज असना अशरी शिया सेक्ट को वो बिलोंग करते थे और हम इकबाल जो थे वो अहले सुन्नत के साथ जो थे वो तो बात यह कि किस तरह जो है ये इकट्ठे हुए ये आपस में तो हिस्ट्री को अगर आप वो देखें शिया सुन्नी के तो उन्होंने तो एक दूसरे को मार मार के सल्तनतें मुसलमानों की तबाह हुई हैं ये शिया सुन्नी काफी ऊपर. इवन ये औरंगजेब ने जो था अपनी तो मुगल एम्पायर को बैंकरप्ट कर लिया था ये सदर्न किंगडम्स ऑफ जो शिया थी इन द सब कॉन्टिनेंट उनको फाइटिंग अगेंस्ट है. सो बट द थिंग इज दिस दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आपके जो दोनों मेन लोग थे कायद आजम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए इस्लाम की एक प्लेटफॉर्म इसमें जो चीज जो नोट करने वाली वो ये है कि हमारी जुबान में दो रिलीजन के जो है ना वो दो इस्तेमाल होती है एक दीन और एक मजहब. जब आप इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो रिलीजन के ही बट इट डज नॉट डिपिक्ट द रियल मीनिंग बिकॉज आपकी थियोलॉजी के अंदर जो है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मजहब एंड दीन. मजहब जो है वो आपका एक जाती नुक्ता नजर है इस कलामा का एक जाती नुक्ता नजर था. Deen are those set of principles which are applicable to the entire humanity. So, अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की आप वो बात करते हैं ये जो है आप ये इसी चीज के ऊपर बेस्ड है खुदा की तौहीद और खत्म नबूवत के ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम जो है इकबाल का इस बाल के अंदर कोई जो है वो दुई नहीं है कोई बाइफर्केशन नहीं है मजहब में और स्टेट के अंदर या इकोनॉमिक्स में या यू नो उसके दीन के अंदर ये सारा कुछ जो है वो गुंधा हुआ है आपस में. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस दैट दिस इज समथिंग कि आप जिस मर्जी फिरके को भी आप बिलोंग करें अगर आप इस इन असूलों को आप जो है रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप इनके ऊपर आगे आप इकट्ठे हो सकते हैं और ये आपको इसकी एक प्रैक्टिकल जो है वो उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आपको इकबाल और जिना की फॉर्म में जो है डॉक्टर जवीद इकबाल कहा करते थे कि थिंक लाइक इकबाल एंड एक्ट लाइक जिना. सो दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक फिक्र है और एक साइड के ऊपर अमल है. अगर दोनों में से किसी के अंदर एक के अंदर कोई खामी हो या कमी हो तो वो चीज तोड़नी. नो आई मीन एब्सोल्युटली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा ये जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है एकेडमिक वहां पे अलामा को नहीं कुछ खास लिफ्ट कराई जाती. सो आप किस तरह डाल सकते हैं मुझे आप ये जो कभी खुद ही को स्टडी तो करके देखें खुद ही को स्टडी करेंगे तो आपको तो पता लगता है ना तीन चीजों को तो एक बार डिमोलिश कर देते हैं मुलुकियत को. अब ये मुलुकियत उस फॉर्म में तो नहीं है पाकिस्तान में लेकिन माइंडसेट इज देयर माइंडसेट को तो एक बार डिमोलिश करता है. दूसरी चीज एक बार डिमोलिश करता है वो जो है वो मुलायत को करता है.
تیسری چیز جو ڈیمالش کرتا ہے وہ آپ کے ایسے جو آپ کے ابھی بھی جو سلسلے ہیں جو کہ یہ صوفی دوا کے پیسے بٹورتے ہیں لوگوں سے اور ان کو بے عملی اور جہالت کی جو وہ تعلیمات جو دیتے ہیں, تو یہی تین چیزیں ہیں جو کہ ایک آئی وڈ ناٹ سے نیا پاکستان بٹ دی اوریجنل پاکستان کے اندر جو حائل ہیں, تو ان کو گھڑنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ 73 سال کے اندر اقبال کی کوئی چیز, اس کی کوئی تھاٹ جو ہے وہ آپ کے نصاب کا حصہ نہیں ہے اور نہ ہی آگے سے بنتا ہوا نظر آتا ہے. جس نے بھی اس کو اندر ڈالا, سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی کرے گا اس کو یہ پتا ہوگا کہ میں اپنی ناک سے آگے سوچ رہا ہوں, میں اپنے خاندان سے آگے سوچ رہا ہوں. ملک اور قومیں جو ہیں وہ تبھی بنتی ہیں, جو اقبال کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ جو وہ کہتے ہیں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, وہ اصل چیز جو بھی اسپرچل ڈیموکریسی جو ہے وہ ود ڈومینیشن آف دا پیپل کے بغیر نہیں ممکن ہوتا. آپ وہ ترقی نہیں کر سکتے, آپ جتنی مرضی آپ وہ کرنے ابھی آپ اکنامک ووز میں سے بھی نکل جائیں آگے جا کے پھر پھنس جائیں گے. آپ ابھی آپ کو جو ہے وہ تو آپ نے کیپٹلزم کے اوپر وہ بات ہی نہیں کی, آپ نے جو ہے وہ بھی ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ ساری جو آپ کی جو اسلام کی جو اس کو تو آگے جو بقول اقبال کی جو اگر جو کوئی دیوار کھڑی ہے تو وہ اس کی پاسبلٹی اسلام کے اندر ہے, کیپٹلزم کو روکنے کی ادروائز نہیں ہے. اور وہ انہی پالیٹی سے آتی ہے, فخر سے, عشق سے. یہ جو ہے نا علامہ یہ نہیں کہتے کہ آپ پیسے نہ بنائیں, لالچی سے ایک تو پیسے بنائیں, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ دولت اور یہ جو ہے اپنا سٹیٹس عہدہ پاور سارا کچھ آپ کے آ جاتی ہے, اگر وہ کسی مورل پرنسپل کے تابع نہیں ہے تو وہ ہیوک کریٹ کرتی ہے اور کر رہی ہے ہمارے سامنے جو ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے, ڈفرینٹ لیولز جو ہے وہ چیز جو ہے ہو رہی ہے. اونلی تھنگ جو آپ کو کرٹیل کر سکتی ہے that is by adopting those values of عشق. اب یہ علامہ پہ الزام لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ علامہ تو جو ہے وہ تو عقل کے خلاف ہے. علامہ عقل کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے. 42 دفعہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فکر اور تدبر کرو, اقبال کہہ رہا ہے کہ آپ نے قرآن کو انٹرپریٹ کرنا تو عقل استقرائی سے تو آپ نے وہ کرنا ہے اور آپ کو اسی کے راستے جو ہے آپ وہ کرنا پڑے گا, وہ عقل کے خلاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف یہ کہتا ہے کہ عقل جو ہے ان دو ریزن جو ہے وہ اپنے فائدے اور نقصان کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھتے. اگر آپ کے لائک سامنے ایک چیز ہے کہ بھی آپ وہ 10 کروڑ کا منافع بنا رہے ہیں لیکن اس میں آپ جو ہے وہ 500 خاندان بھی اجاڑ کے رکھ دیں گے, تو آپ یہ کہتے ہیں جی کہ میں چلیں 5 کروڑ کا منافع بنا دیتا ہوں لیکن باقی سارے خاندان, ویئر ڈز دیٹ تھنکنگ کم ان فرام؟ دیٹ تھنکنگ ڈز ناٹ کم ان فرام اکنامکس, not from any other thing. وہ آپ کے کوئی اخلاقی اصول جو ہے وہ اس کے وہ آئے گئے جو کہ آپ تربیت کر کے اپنے اندر وہ بلڈ کریں گے, وہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں آپ کے اندر آئے گا. اسی وجہ سے وہ عقل کو ہمیشہ عشق کے ساتھ مطلب کہ نفی, وہ کہتے ہیں کہ عقل کا شرف یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا, نالج از پاور آلسو. تو جب آپ کے پاس نالج بھی آ جاتی ہے تو اگر آپ جو ہے وہ مطلب کہ اس پاور کے ساتھ وہ ہیوک کریٹ کرنا کر دے سوسائٹی کے اوپر, آپ نے جس یعنی کہ وہ مورلٹی یا ایتھیکل ویلیو نہ آپ کے اندر رہے, تو پھر آپ نے ایسی عقل کو کیا کرنا ہے آپ نے, right. انسانیت کو تباہ کرے. تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو عقل جو ہے اس کو مورل ویلیوز کے جو ہے وہ تابع ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک کنٹرول میں رہ سکے, تاکہ جو ہے درد دل جو ہے وہ آپ کے اندر وہ قائم رہے, ادروائز جو ہے وہ عقل کے تو کسی صورت میں وہ خلاف کس طرح ہو سکتا ہے؟ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ ساری بیسڈ ہی آن عقل ہے. انہوں نے فلسفہ پڑھا ہوا تھا تو فلسفہ تو اس کی بنیادی عقل ہے اس کی. کوسچن بالکل ابسولیٹلی ویری ویری انلائٹنگ سر, ویری ویری نائس کنورسیشن, آئی ریلی اپریشیٹ اٹ. سر آخری حصہ ہے اس کا اور تھوڑے سے آپ کے متعلق میں پوچھنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے خاندان میں کوئی آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ اپنا ایک قد کاٹ نہیں نکال پاتے یا اپنی پہچان نہیں بنا پاتے, لیکن آپ کو دیکھیں یا یوسف صلاح الدین کو یا خاص طور پہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو, تو سر مطلب کہ آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ایک ایک رتبہ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ اتنے بڑے کیا کہنا چاہیے کہ باپ کی اور خاندان کی اولادیں ہیں, تو اس کا تھوڑا بتائیں گے جو آپ کا پرسنل جرنی ہے یو نو خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا اور بنانے کا, یہ کیسا رہا؟ اس میں آپ کو کوئی اسٹرگل دیکھنی پڑی؟ ایکچولی
मेरे जिसमें जो ना मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे मामू, वालदा, इनका बहुत अमल दखल है मेरी तरबियत के अंदर. अच्छा, मेरे दादा जो थे वो तो पाकिस्तान मूवमेंट में वो इन्वॉल्व थे. वो ही वॉज फाइनेंशियल सेक्रेटरी ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ही वॉज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द 1940 की जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो थी. हमारे घर से जो थे वो कुर्सियां और कलीन निकल के गए थे, क्योंकि उस वक्त जो थे ये कौन सा ब्लड शेड हुआ हुआ अंग्रेजों ने मारा हुआ था. तो ये जो थे आपके बहुत सारे जो मुसलमान के मुस्लिम लीग के थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ हैविंग दिस 23rd मार्च जिसमें रेजोल्यूशन. सो जलियांवाला बाग का जो था वो हुआ हुआ इंसिडेंट. सही, मेरा ख्याल है वो तो 1919 में नहीं हुआ था, 1920 में. नहीं नहीं, ये उसके फिर कोई और होगा. अच्छा, अच्छा, काफी कोई और था ये. कानपुर में भी थे काफी सारे जो थे, उनको 50-100 बंदा मरा था. एनीवे, तो वो जो था, क्योंकि इन लोगों का जो थी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी और इनसे जो थे वो किस्से सुनने, वो इनका तो ताजा ही था ना सारा कुछ. मैंने तो अपने हाथ से देखा, आंखों से देखा ये मैसेकर सारे जो थे. ये मेरे वाले बताया करते थे ट्रेन्स के, और किस तरह जो था सूरत हाल और क्या, तो लूट मार यहाँ पे जो लाहौर में कत्लो शुरू हुई है सारा कुछ. बट इट्स द थिंग वाज एन ऑब्वियसली यू नो इवन आर इन आर हाउसेज, इवन इन अलामाज हाउसेज जो थे, जो खुदा रसूल के बाद अगर कोई पाकिस्तान में कोई अगर कोई शख्सियत थी तो कायद आजम की जात ही थी. सो कायद आजम ऑलवेज हैज अ हायर स्टेटस देन अलामा. तो ऐसी सूरत हाल में वो बचपन से वो चीजें, उनके साथ बैठना जो है वो इन्फ्लुएंस, तो वो चीज वो करती गई. एंड somehow मेरी जो थी वो बहुत ज्यादा कोई एसोसिएशन जो थी ना अपने वो मामू के साथ जो थी वो डेवलप हुई. एंड दैट लास्टेड फॉर टिल द डे ही डाइड. एंड जो इकबालियात जो है वो मैंने सही तरीके से उनकी जो डायरेक्शन जो है उन्हीं से सीखी. एंड ये जो 7-8 साल पहले दबिस्तान को बनाया, तो उसका वजह भी यही थी. तो मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा ये जो मैंने आपसे सारा कुछ सीखा है, ये जो मैंने आपको इकबाल का जो मैंने देखा है, कायद आजम का देखा है, वो हमारी तो जो मुल्क की डायरेक्शन और इनकी जो जो सोच की डायरेक्शन है, जो उनका विजन है, वो तो अपोजिट एंड्स में. एंड जो आपके जो सरकारी इदारे हैं या दूसरे इदारे जो हैं, वो तो इकबालियात को उस तरीके से जो है वो नहीं पढ़ाते या आगे उसको कॉन्सेप्ट को फॉरवर्ड करके, बिकॉज यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स के अंदर भी ये चीज मौजूद. आप वो देखें कि नेचुरल इकबाल को पढ़ाने के लिए रीजन लेनी चाहिए, एंड वो आपके नौजवानों को सुनने के लिए भी जो है थोड़ी सी ओपन माइंडनेस एंड थोड़ी सी क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए. बिकॉज आपकी जो कोई एक जो पुरानी बिलीफ जो हमारी नानी दादी से आपसे चली आती हैं इस्लाम के बारे में, वो अलामात उसको झंझोड़ देते हैं, खासतौर पर रिकंस्ट्रक्शन पर. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी जो है, मैंने तो लोगों की चीखें निकलती देखी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन इस्लाम तो. लेकिन इट वॉज फन ऑल्सो. फिर मैंने लोगों के दिमाग भी बदलते देखे हैं, विच इज दिल भी बदलते देखे हैं. And which is was an experience for me because it's very difficult to change somebody's outlook. Right. So anyway, so ऐसे माहौल में जो भी है वो परवरिश हुई. अभी सब सारे जो हैं is just like हम आप लोगों के लिए जो है अलामा की thought को articulate करते हैं, और आपको in its true spirit जो है like दबिस्तान जो है आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल. तो सर आपकी जो ट्रेनिंग थी डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ, ये फॉर्मल ट्रेनिंग थी या ये बस क्या होता है ना चलते चलते आप चीजें पे आपने पिक की उनसे? नहीं, आप वो समझे कि इट वाज लाइक उनके साथ लंबी सिटिंग्स भी होती थी. सही. डॉक्टर जावेद इकबाल एक तो मेरे मामू थे, वो फिर
मेरे वालिद की जगह पे भी आ गया है, मेरे वालिद तो 25-30 साल पहले फिर फौत हुए, तो फिर उनके साथ एक कंपेनियनशिप भी थी एंड ही वाज माय मेंटर आल्सो एंड टीचर आल्सो एंड गाइड आल्सो, सो इट वाज लाइक ऑल द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं वो लाइक मिक्स के साथ, तो उनके साथ जो था वो मेरे दोस्तों के साथ उसी तरह वो जो थे वो मिक्स होके वो गप्पे मारते थे जिस तरह, मतलब कि कोई एज बैरियर ही नहीं है, ये बड़ी उनके अंदर खूबी थी कि एट द एबिलिटी टू ब्रेक एज बैरियर्स बैरियर इवन विद अ चाइल्ड ऑफ 2 years. सही बाकी उनकी जो भी उनकी इंटेलेक्चुअल उनकी तो बुलंदी है सामने. नहीं नहीं वाकई में मतलब उनके अंदर जो उनकी एस्थेटिक्स है, नस्तलीकियत है, इट्स जस्ट टू गुड जिस तरह से. अच्छा सर, ये जो दबिस्तानी इकबाल है, मैंने पिछले दिनों ये पिछले आई थिंक एक दो महीने में एक जो डॉक्टर जावेद इकबाल के कुछ लेक्चर्स वगैरह आपके इस यूट्यूब चैनल पे, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकें कि चैनल का नाम क्या है, किस किस तरह का मवाद पढ़ा है, क्योंकि मेरे लिए इट वॉज आई ओपनिंग जो जो जावेद नामा के लेक्चर्स मैंने कुछ सुने हैं, वेरी वेरी नाइस स्टफ यू नो ऑन द यूट्यूब चैनल. ये मैंने उनके वफात से को 2-3 साल पहले जो थे ये सीरीज उनसे रिकॉर्डिंग जो थी मैंने करवाई थी, ये आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक तकरीबन 98% जो भी आप वो देखते हैं वो बैकग्राउंड मेरे घर की ही है, वो मेरे ही ड्राइंग रूम में जो है ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं, और उनको इसी वजह से जो था वो मैंने रिकॉर्ड करवाया था कि आने वाले वक्त में जो है हम अलामा के जो है उसकी अफकार जो है उनके वो बेटे की जुबानी डॉक्टर जावेद इकबाल की जुबानी जो है उनको आगे लाया जाए. मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने डॉक्टर जावेद इकबाल को नहीं समझा तो आप इकबाल को भी सही नहीं समझ सही बात. हाँ उनकी बिल्कुल एक इश्तिहादी सोच है एंड उसी चीज को हम लेके जो है ये दबिस्तान का क्याम इसीलिए किया गया कि उनको मैंने कहा कि जी ये तो कोई जो है वो एवरी इदारा इज फॉलिंग शॉर्ट, फिर ये जगह मैंने तब खरीदी थी तो उसको फिर हमने बनाया, तो मरते दम तक जो थे वो उनको वो थिएटर भी लगा होता था तो वो आके यहाँ पे लेक्चर्स में जो थे वो अटेंड करते थे अपनी वफात से, मतलब 10 दिन पहले भी वो एक वो लेक्चर पे यहाँ पे आए हुए थे, उतना उनके अंदर एक ये चीज जो थी एक इस चीज का था कि इसको इदारे को प्रमोट करने टू द वेरी एंड एंड दैट लाइक ग्रेट. बाकी मैं बताना चाहूंगा कि दबिस्तान इकबाल के नाम से ही वो यूट्यूब चैनल है, अगर आप सर्च करें तो आपको वो तमाम मवाद वहां पे मिल जाएगा. अच्छा सर, ये भी है कि आपको लगता है कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी आने वाले जमाने में बड़ी भरमार है और नौजवान नस्ल इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, तो इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इकबाल का जो मैसेज है वो आगे पहुंचाया जा सकता है एक बड़े मौसर और मुतासर कुन अंदाज में, इन इन प्लेटफॉर्म्स के साथ आपको कोई उम्मीद है, आपको लगता है कुछ हो सकेगा? नहीं बिल्कुल, आप देखें ना जो वे फॉरवर्ड है वो तो यही प्लेटफॉर्म है. ये अनफॉर्चुनेटली इसको मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया, तो ये अभी जो आप ये दबिस्तान का चैनल देख रहे हैं ये अभी कोई 7-8 माह पहले ही इसको मैंने इस तरीके से एक्टिवेट किया, नहीं तो हमारी तो शायद कोई सब्सक्रिप्शन 400 के करीब थी, अब यू नो बढ़ी है इसमें और आसपास रोज वो बढ़ती चली जा रही है. ये प्लेटफॉर्म तो है नो डाउट. The other thing which I have started is वो मैंने आपको वीडियो भी भेजा वो is वो अलामा का जो फारसी का कलाम है वो फिर मैं वहाँ से करवाता हूँ from ईरान. अच्छा, तो ईरान का तलफ्फुज़ जो है उनका ईरानियों का और उनका एक अंदाज़े बयान वो हमारा unfortunately भी इसको नहीं वो कर सकते, उनका एक एक अपनी एक हुसन है उसको बयान करने which I find extremely exhilarating. इस तरीके से ये एक पहले एक वीडियो मैंने बनाया था वो तैतुल लफ्ज था, ये दूसरा जो है गाने की फॉर्म है. तो ये तरह की चीजें जो है इसको उसकी वजह ये है कि लेक्चर्स जो है सच वो नौजवान जो है वो कम सुनते हैं, जिसने तो मतलब वाकई जिसने सुनना होता है वो तो ऑब्वियसली वो सुनता है लंबा या छोटा है, लेकिन म्यूजिक इज समथिंग व्हिच इज यू नो रियली अपील्स टू द ऑडियंस. आप ये देखेंगे ये वीडियो जो भी मैंने आपको भेजा था
it's very like kind of a pop and Iranian style. And with the hope that, you know, that musiki ke through hi aap kam se kam message to aap pahuncha sakte hain, wo translation padhenge koi is tarah ka interest aapne. तीसरी चीज ये है कि देखें अलामा ने तीन चार चीजों के ऊपर उन्होंने बड़ा क्लियरली कमेंट किया है. एक जो है पोइट्री किस तरह कौमों की अंदर रोल प्ले करती है, दूसरा जो है वो मुसव्वरी किस तरह रोल प्ले करती है, और जो है ना मौसीकी क्या रोल प्ले करती है. इसके ऊपर तो इकबाल ने बड़ी ही क्लियर कट किस्म की पूरी पूरी अपनी जो है वो व्यू पॉइंट दी है. बैकग्राउंड में आप ये एक मुसव्वरी पेंटिंग्स, एक मुसव्वरी मौसीकी, और तीसरी शायरी एंड इवन आर्किटेक्चर. चार चीजें हैं जिसके ऊपर अलामा ने सही कमेंट किया, और उन्होंने डिफाइन किया है कि गुलामों की ये किस तरह होती हैं और आजाद लोगों की किस तरह होती है, मुसव्वरी और मौसीकी और आर्किटेक्चर और शायरी. ये सब चीजें उन्होंने जो है वो डिफाइन कर. सही. और सर आपको लगता है कि ये जो 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 बड़े प्लेटफॉर्म है, जिस तरह कोक स्टूडियो है या जिस तरह वो यूसुफ सलाउद्दीन करते हैं, उनका विरसा का जो प्रोग्राम है, तो उनके साथ भी आप कोलैबोरेट करके इसको एक बड़े लेवल पे कर कर सकते हैं, ये भी एक चांस है? यार आई डोंट नो. देखें ये फारसी का है, ये अभी तो सारे इसको हाथ लगाने से डरेंगे इसकी क्या चीज जो है वो. बाकी दूसरी बात ये है कि ये लोग तो कर तो सकते हैं, लेकिन कोक स्टूडियो का क्या इंटरेस्ट होगा मुझे आप वो बताएं. राइट, मतलब कि उन्होंने जिस तरह शिकवा जवाबे शिकवा किया, बड़े लोगों ने सुना, उसको पसंद किया. आई डोंट नो, बट जवाबे शिकवा, बट जो एसेंस है वो तो आप वो देखें ना, अभी अभी आपको जो मैंने ये भेजी है, दिस इज वेरी रेवोल्यूशनरी पोएट्री. नहीं नहीं एब्सोल्युटली, डेप्थ में आपको जाके देखें तो आपको इकबाल क्या कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अब ये जो शेर है पहला, इट रिलेट्स और परटेन्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट एन अनजस्ट एंड अन इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है कि तुम आखिरी हद तक जो है वो मेरे इस चीज के लिए जा सकते हो, तो फिर तब मेरी तरफ आओ, नरना मेरे पैगाम की तरफ मत आओ, क्योंकि मेरा रास्ता जो है वो इमाम हुसैन का रास्ता है, और वो गर्दन खाने वाला रास्ता है, उसके आम बंदे की फैन की बात नहीं है. तो इमाम हुसैन का जो है वो एक और जगह पे ये कहते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर इतना जो है आपको वो जरूरी है उसको रेजिस्ट करना. वो कहते हैं कि मैंने जो है या हमने जो है वो इमाम हुसैन से ही जो है कुरान की तशरीह जो है वो सीखी, और उन्हीं के शोले से हमने जो है वो आजादी की चिंगारियां जो है अपनी हासिल की. वो क्या है जो तशरीह इमाम हुसैन की है जो उन्होंने सीखी इमाम हुसैन की? वो तशरीह ये है कि किसी सूरत में आपने अमर के जो है वो सामने सर नहीं आना. अगर वो नहीं खड़े होने की ताकत नहीं, तो फिर कम से कम साथ तो मत दें. एंड ये जो मैं आपको वो बात उसके तो मेरे जहन में आई थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये थी कि जो खत्म नबूवत का अलामा बताते हैं कि जो था वो पहली चीज जो थी, रसूलुल्लाह ने वो आमरियत और बादशाहत का दौर खत्म किया. इमाम हुसैन को ये चीज पता थी, दैट इज वाई उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था अदर देन स्टैंड टू विन और टू डाई. इस रसूलुल्लाह के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स जो हैं वो कुर्बान कर देने, मजाक की बात. सो जितनी अलामा की फिक्र जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है अब आपकी, जब तक वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर्सन और पीपल जो है वो कॉमनली इस विजन को शेयर नहीं करेंगे. उसको सही, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सर.
और सर आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ अपनी पसंद का कुछ उर्दू का कुछ अशार और कुछ फारसी के अशार हमारे लिए जरूर कुछ सुनाए। उर्दू के अलामा की एक नज़म है जो मैं ये नौजवानों को बड़ा सुनाता होता हूँ, उसका नाम है आवाज़ ग़ैब। और ये जो है आपको एक्चुअली जो है आपको जो है वो इंसाइट करती है, वो यू नो आपको वो पूछ रही है कि आपका जो है वो अकल की कुव्वत, वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी जो तुमको जो है वो हासिल करनी चाहिए थी, वो सितारों तक तुम्हारी दस्तर समझनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं। और फिर उस जो है वो आगे से बताते हैं। पढ़ी हुई आपने ये? नहीं, ये कौन सी किताब में है ये? मैंने अरमुगाने हिजाज में है। अच्छा, आखिरी छोटी, हाँ मैंने पढ़ी तो होगी, लेकिन हाँ जरूर। तो इसमें वो कहते हैं कि आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहरे इधरा, इस तरह हुआ कुन तेरा निश्चय तहकी, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के दिल रचा, तू जाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार, क्या शोला भी होता है गुलामे खसो खाशाक, देवो माहो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से तरसते नहीं अफलाक, अब तक कहवा कर चलूं तेरी रगों में, ने गर्मी अफकार ना अंदेशाए इबाक, रोशन तो वो होती है जहां भी नहीं होती, जिस आंख के पर्दों में नहीं है निगह पाक, बाकी न रही तेरी वो आईना सगीरी, ऐ कुश्ते सुल्तानी ओ मुलाई ओ पीरी। इसी में जो है वो बयान कर रहे हैं कि मुसलमान जो आपको जो है इन तीन कुव्वतों ने आपका जो है ना कुश्ता बना दिया है। कुश्ता वो बन जाता है कि जब आप वो कुछ 10 इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको ऐसा रगड़ा लगाते हैं कि हर इंग्रेडिएंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी ही खो बैठता, उसके बाद उसका को पता नहीं लगता। तो तुम्हारा जो है वो ये हाल हुआ है कि तुम वो कुश्ता बने हो। तो एक्चुअली एक बात जो सारी जो है ना वो खुदी की सब है, उसमें मुझे एक इनहेरेंट सिस्टम ऑफ रेवोल्यूशन नजर आता है जो कि इनकी जो है वो स्टैग्नेटेड जो इसका इफेक्ट है इन तीन कुव्वतों का वो उसको तोड़ता है। उसके बाद वो थिंग्स स्टार्ट रोलिंग के इन चीजों की फिर गुंजाइश नहीं रहती बीच में। अब ये लोग आपको किस तरह जो है इस मुल्क को जो है इस गुलामाना ज़हन से निकलने देंगे, कभी भी नहीं निकलने देंगे। तो आपको जब तक वो गिराएंगे नहीं, तो अब आप ये देखें, पता नहीं आप भी उधर बैठ के तो ये इंटरव्यू लगा देंगे तो आपको लोगों ने इंशाल्लाह हमारी खिदमत मुल्क के लिए हमेशा हाजिर है। और सर अगर फारसी के कुछ अशार सुना दें, क्योंकि आपका फारसी का जो लहजा है ना वो मुझे बड़ा बड़ा पसंद है। बड़े कम लोग हैं जो फारसी क्या कह रहे थे कि कुछ सही पढ़ लेते हैं। ये भी बड़े बड़े मैंने खताती दिन की अशार की मैंने कराई हुई है। अच्छा, वो कहते हैं कि बा नशा ये दरवीशी दर साजो दमा दम सन, चुन पुख्ते शवि खुदरा बर सल्तनत यम सन, गुफ्तंद आया बुतुमी साजद गुफ्तंद के नमी साजद गुफ्तंद। तो ये बार आगे दो अशार हैं उनकी, एक ये गजल है ज़बूर अजम के अंदर। वो कहते हैं कि किसी दरवेश किसी कलंदर के साथ बैठो और उसके साथ वो सोबत करो ताकि वो तुम्हारे अंदर जो है वो ख्यालात की और अज़्म व हिम्मत की जो है वो पुख्तगी जो है तुम्हारे अंदर जो है वो पैदा करे, और जब वो तुम्हारे अंदर जो है वो सोच तुम्हारी हिम्मत जो है वो उसको इतने पुख्ता जो है वो सतह पर ले जाए, तो फिर उठो और जाके जो है वो जमशेद की सल्तनत से जाकर टकराओ। अब जमशेद क्या है? वो एक आमिर की एक हुकूमत, यानी कि आमराना ताकतों से जो है तुम्हारे तुम्हारे ऊपर इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू टू गो एंड क्लैश विद देम, ब्रिंग देम डाउन। वो कहते हैं कि एक गैबी आवाज आई,
یعنی کہ ایک غیبی آواز آتی ہے پوچھتی کہ یہ جو جہاں ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے یہ آیا تمہارے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, تمہارے موافق ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ میرے موافق نہیں. پھر وہ آگے سے آواز کہتی ہے اٹھو, پھر جا کے اس کو برہمزن کر دو, اس جہاں اس کو کر دو, یعنی کہ اپنی دنیا جو ہے وہ خود جو ہے اس کو. یہ چیزیں ہیں کہ یہ ایسپیکٹ وہ ہیں آپ اقبال کے, جب آپ کو یہ کون پڑھائے گا آپ کو, یہ کون آپ کے نصاب میں یہاں پہ ڈالے گا مجھے بتائیں. یہ تو ایران میں بھی نہیں پڑھاتے ہوں گے, وہ تو جو بھی ہے وہ فارغ ہو گئے ریولوشن وغیرہ سے. نہیں نہیں, میرا خیال ہے کہ اتنی کوشش ضرور کریں کہ چلیں سیاسی لیول پہ ہم ان کو زندہ نہ رکھ سکے, لیکن کم از کم اکیڈیمک لیول پہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر. نہیں, وہ اکیڈیمک لیول جو ہے وہ تو ٹرانسلیٹ کرنا ہی کرنا ہے نا ایٹ سم سٹیج. اب آپ ایسے افکار جو ہیں اپنے وہ بچوں کے ذہن میں ڈالیں گے تو پھر وہ کہاں وہ جو ہے وہ ان کو وہ بے وقوف تو نہیں بنا سکتے. بالکل. Thank you so much, sir. It was... In the last, میں آپ کو ایک میں شعر آپ کو سناتا ہوں. ضرور. وہ کہتے ہیں کہ یہ دبستان میں لگایا ہوا اس کو. وہ کہتے ہیں کہ چے مولائی چے درویشی چے سلطانی چے دربانی فروغ کار می جویت بسالوسی و ذراتی. کیا یہ مولا, کیا یہ حکمران, کیا یہ درویش اور کیا یہ ان کے درمان. یہ دربان کون ہے؟ درمان وہی ہیں نا حکومت کے جو کارندے ہیں, مطلب جو بھی جس مرضی محکمے کے ہوں آپ کے جو ہے ساری, آپ وہ سمجھ لیں اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اپنے مقاصد جو ہیں یہ لوگوں کو دھوکا اور فریب دے کر جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. بالکل. وہ اپنی ذرا ہسٹری پہ آپ وہ نظر ڈالیں, آپ ذرا اپنا وہ دیکھیں کہ کون سا حکمران, کون سا جو ہے وہ عالم فاضل جو ہے وہ یہ کیا کیا کرتے آئے ہیں. یہ ایون بہرحال یہ اگین آ جا کے یہ تین چار ہی جو ہے وہ آپ کی ایکچولی جو جس کو آپ ویلفیئر اسٹیٹ کرتے ہیں نا کہتے ہیں, وہ ان کو وہ ہٹائے بغیر آپ کی نہیں بن سکتی. آپ جو مرضی کر لیں, آپ پاکستان میں اکنامک حالات ٹھیک بھی کر لیں, آپ بنیادی طور کے اوپر آپ یہ سارا جو کہتے ہیں نا کہ سسٹم چینج کرنے, سسٹم چینج کر کے بندے تو آپ نے چینج نہیں کرنے, دماغ تو آپ نے چینج نہیں کرنا, کیریکٹر تو آپ نے چینج نہیں کرنا, تو سسٹم کیا کرے؟ وہی جو ایک اس قسم کا ذہنیت جہاں بھی آ کے بیٹھے گی اس نے وہاں پہ وہ بریک لگا دینی آپ کے, وہ تو ایک جمود کی طرف آپ کو لے گا. Anyway, سو یہ نہیں سر, امید ہے اور دعا ہے کہ کم از کم ہم جیسے لوگ یا آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کچھ سیکھ سکیں ماضی کی غلطیوں سے, آگے مستقبل بہتر بنا سکیں. تو امید, ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسم وہ کہتے ہیں نا امید ہے اور دعا ہے, تو یہ کہ امید بھی جو ہے اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور دعا کو بھی جو ہے وہ سٹرگل سے ہی آپ کو کمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے, اور سٹرگل کو دعا سے کمپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے وہ جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ دعا کارگر نہیں ہوگی, محنت کیے بغیر کچھ ساتھ نہیں, ہاں محنت کیے بغیر وہ نہیں ہے. اور یہ تو جو ہمیں یہ طریقہ کار جو ہے یہ تو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتا ہے. کتنی انہوں نے سختیاں جھیلی, کیا وہ کتنے ایسے پتھروں پیٹوں پہ پتھر انہوں نے باندھے انہوں نے حضرت علی نے, اور کس طرح انہوں نے وہ کیا, اور کیا وہ سٹرگل تھی ان کی. تو اس کے بغیر جو تھی, حالانکہ وہ خدا کے نبی تھے تو اللہ چاہتا تو جو تھا ان کے لیے بالکل ایک سازگار ماحول جو ہے وہ نہ بنا دیتا, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. جو بھی اس نے وہ قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے بنایا, اس نے ایک طریقہ سٹرگل کے بغیر جو ہے تو آپ کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں نکل سکتی. آپ جب ایک مشکل سرکمسٹانسز میں آپ جب خود بھی پڑھتے ہیں چھوٹی بھی ہو, تو آپ وہ دیکھیں کہ آپ کا جو ذہن جو ہے وہ آپ کا 10 گنا زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, آپ کی جو ایسی صلاحیت بھی اس وقت نکل آتی جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. سو دس از ون آف دی سر سر میں آپ کی باتوں سے موٹیویٹ ہو گیا ہوں, انشاءاللہ میرا پلان ہے اگلے کچھ مہینوں میں. آپ خود کیا کرتے ہیں مجھے بتائیں, آپ کا کیا ہے وہاں پہ جاب, کیا کرتے ہیں, یا آپ کا واٹ از یور پروفیشن؟ سر میں ہوں ٹیلی میٹکس انڈسٹری میں.
एक टेलीकॉम का फोन कंपनी है, तो उसके उसमें मैं हूँ बेसिकली। तो साथ ये यूट्यूब चैनल है एक मेरा, फिर मैं रेडियो पे शो करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि रेडियो पे यूट्यूब चैनल पे कुछ इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए, जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत वो साथ लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हम भी आपके लिए दुआ गूंगे, आपको भी कामयाबी हो आपके चैनल को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। लेकिन उसकी स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ेगी। हाँ नहीं, स्ट्रगल चल रही है सर, आपने 3 साल जगह से चल पर रही है, बिल्कुल वो तो चल रही है। जबरदस्त। नहीं, इंशाल्लाह जब भी मैं लाहौर आऊंगा अगली दफा, इंशाल्लाह आपसे जरूर मैंने इसी ऑफिस में आप मुलाकात। वैसे कहाँ के, लाहौर के रहने वाले हैं या कहीं और के? मैं लाहौर का, लाहौर का अच्छा, पक्के लाहौरी ओके, सर, पक्के जबरदस्त। लाहौरी। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी माय थॉटफुल। प्लेजर। आई आई रियली होप कि अब इस आई बारे होप आप जो है वहां पे जो है जो कोई यंग सर्कल्स हैं आपके, उनको उनके लिए ये जो है वो बात फायदेमंद हो। बिल्कुल आई होप सो। सर, इंशाल्लाह ये बातचीत जारी रखेंगे, देखते हैं कि और क्या एंगेज, किस तरह से एंगेज किया जा सकता है और लोगों को, ओके इन ओके, थैंक रिसोर्सेज को यू इस्तेमाल सो करके। मच, ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू सो मच सर, वेरी थैंक यू सो मच। माय माय प्लेजर। सो जनाब, ये थे हमारे साथ नवासा इकबाल, जनाब इकबाल सलाहुद्दीन साहब। और आई आई रियली होप कि इस डिस्कशन से हम तमाम लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा हो। मैंने ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इस तरह की अच्छी चीज़ों को और अच्छे लोगों को, इस तरह की सोच को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जाए। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।